Assalamu alaikum everyone, welcome to KSB's weekly review. This is Abdul Samad from KSB Securities. So this week was quite eventful for Pakistan. इसमें दो तीन बड़ी न्यूज थी. जो सबसे बड़ी न्यूज थी वो रिकॉर्डिक केस की थी जिसमें $6 billion का फाइन लगा है पाकिस्तान पे. To give you a context, 2010 में ये स्टार्ट हुआ था when a consortium of companies started a feasibility in this area. तो उसमें दे इन्वेस्टेड अराउंड $220 million और जब लाइसेंस एंड लीज अवार्ड करने की बारी आई तो बलूचिस्तान मिनरल कमेटी बैक्ड ऑफ. नाउ पाकिस्तान हैज़ टू पे द प्राइस. बट इसमें ऑब्वियसली $6 billion ये जो नंबर है ये इंटरनेशनल कोर्ट्स का नंबर है. इसमें फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है, हो सकता है हम अपील करें, हो सकता है इससे थोड़ा नीचे का नंबर हो सकता है, हो सकता है कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात हो, इट रिमेन्स टू बी सीन. बट नेवरदलेस दिस इज़ अ वेरी बिग न्यूज़ फॉर पाकिस्तान एंड ये मतलब इक्वलेंट है IMF प्रोग्राम के नंबर के. द सेकेंड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ वॉज द करंट अकाउंट डेफिसिट. अगर हम उसको देखें तो $13.58 billion के नंबर आए फॉर फिस्कल ईयर 19 वर्सेज $19.89 billion फॉर फिस्कल ईयर 18. अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो तीन एरियाज़ हैं, रेमिटेंसेज, इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स. तो रेमिटेंसेज में कोई 10-11% की ग्रोथ देखने को मिली है विच इज़ इन लाइन विद PTI's एजेंडा बिकॉज उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तान को, पाकिस्तानीज को बहुत टारगेट किया था. इम्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो उसमें मशीनरी इम्पोर्ट्स में काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिला है विच इज़ इन लाइन विद CPEC, क्योंकि अगर 2018 को देखा जाए तो CPEC वॉज इन फुल स्विंग और उसमें जो डिक्लाइन आया है बिकॉज सारे प्रोजेक्ट्स जो थे फर्स्ट फेज के वो कंप्लीशन फेज को पहुंच चुके हुए थे 2019 के अंदर. तो मशीनरी डिक्लाइन इज़ जस्टिफाइबल एक तरह से. एक्सपोर्ट्स की जहाँ तक बात है वो क्वेश्चनेबल एरिया है बिकॉज एक्सपोर्ट्स ग्रो नहीं करी हैं डिस्पाइट ऑल द पॉजिटिव्स टू टेक्सटाइल सेक्टर. हमने कोई बहुत इंप्रूवमेंट अब तक नहीं देखी है. अभी 2020 के बजट के अंदर जीरो रेटेड स्कीम भी उनके ऊपर हटा दी है सो दे हैव अनदर एक्सक्यूज टू प्ले विथ. सो इट रिमेन्स टू बी सीन कि एक्सपोर्ट यहाँ से किस तरह का आउटब्रेक ट्रेंड देती है हमें या इसी तरह का डिसमल ट्रेंड फॉलो होता है, दैट रिमेन्स टू बी सीन. द थर्ड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ वॉज द मॉनिटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट ऑफ कोर्स, जिसमें स्टेट बैंक ने 100 basis points का इंक्रीज़ किया है. सो द न्यू इंटरेस्ट रेट इज़ नाउ 13.25%. आई थिंक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी जो स्टेट बैंक की टोन थी वो बहुत इम्पॉर्टेंट थी. सो दे सेड कि जी जो जितना प्रीवियस इम्बैलेंस था रुपी का, जितना प्रीवियस इम्बैलेंस था एक्सचेंज रेट का और जितना प्रीवियस इम्बैलेंस था आपका इंटरेस्ट रेट्स का, वो सब अकाउंट फॉर हो गया हुआ है इसके अंदर. सो 13.25% इज़ इन लाइन विद स्टेट बैंक्स इन्फ्लेशन नंबर ऑफ 10-11%. तो अगर उसको देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं सेफली कि हमने अपने इंटरेस्ट रेट का शायद पीक देख लिया है. और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन हाइक हुए 10-11% के अबव तो इंटरेस्ट रेट में एक मिनिमल इंक्रीज देखा जा सकता है. नाउ इफ आई लिंक दैट टू द मार्केट, तो अगर हम इंटरेस्ट रेट का पीक डिफाइन कर लें तो हमें मार्केट का बॉटम भी डिफाइन कर लेना चाहिए यहाँ पर. बट अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टर सेंटिमेंट वॉज वेरी वीक दिस वीक, तो उसमें हमें जो है मार्केट नेगेटिव ही देखने को मिली है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आई थिंक जो इमरान खान का नेक्स्ट विजिट है टू द US, आई थिंक ये बॉन्ड डील है पाकिस्तान के लिए एंड इफ़ इट इज़ सक्सेसफुल हम FATF में इसमें हमें काफ़ी हेल्प मिल सकती है. सो आई थिंक दैट वुड बी अ बिग डील फॉर पाकिस्तान एंड वी नीड टू वॉच आउट फॉर दैट. अंटिल नेक्स्ट वीक, थैंक यू सो मच.